सबने कहानी सुनी है, भगवान बुद्ध उंगलीमाल के जब सामने से गुजरे तो उंगलीमाल के अंदर बड़ा क्रोध आया, कौन व्यक्ति है जो मेरे को देख करके डर नहीं रहा है। पीछे वो बड़ी सी कटार लेकर के भागा। कहते हैं कि जितना प्रयत्न करता था उतना पहुंच नहीं पाता था, तो एक गुस्से में आकर के बोला, ए भिक्षु कहां जा रहा है, भाग क्यों रहा है? भगवान बुद्ध बोले, भाग कौन रहा है उंगलीमाल, भाग तो तू रहा है, मैं तो कब का ठहर गया हूं, जिस दिन अपने को जाना था उसी दिन ठहर चुका हूं। जैसे ही व्यक्ति अंदर ठहरा दुनिया ठहर जाती है, मन में शांति, मन की उलझने अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप शांति आ जाती है। इस अशांति की जड़ बाहर नहीं भीतर है, हम बाहर की दुनिया से लड़ने की कोशिश करते हैं, समस्या हमारे भीतर। जैसे ही अंदर की शांति आई बाहर एकदम समुन्नति फैल जाती है। जिसके अंदर प्रकाश है उसको बाहर बाहर प्रकाश ही नजर आता है, अंधकार कैसा। पहला पूर्णता की यात्रा में चरण अपने को जाने। गुरुदेव ने कहा समय निकालें, निष्पक्ष आत्म समीक्षा करें। इतना प्यारा शब्द गुरुदेव ने दिया, निष्पक्ष आत्म समीक्षा। निष्पक्ष का मतलब कभी कभी आत्म समीक्षा करते हुए व्यक्ति इतना क्रिटिक हो जाता है कि सारी गलतियां अपने अंदर ही ढूंढता है, पर हमारे अंदर अच्छाई भी तो होगी कुछ। धरती के अंदर खोदने जाएंगे तो हो सकता है कि हमें खजाना मिले, हो सकता है कंकाल मिले, पर दोनों ही हमारे मन के भीतर विद्यमान है। गुरुदेव ने कहा बिना पक्ष लिए एकदम निष्पक्ष भाव से अपनी समीक्षा करनी है, और किसी की नहीं करनी। हम लोग ट्रेंड हैं दूसरों की समीक्षा करने के लिए। व्यक्ति को शुरू से प्रशिक्षण मिला है, अभी कमियां निकालना शुरू करें तो व्यक्ति छोटी चीज से लेकर भगवान तक की कमी निकाल देगा। दुनिया ही गलत बनाई है सर, डॉक्टर जो है वो इलाज ही गलत कर रहा है, सरकार जो है देश ही गलत चला रही है। पत्नी के खाने से लेकर सरकार के सरकार चलाने तक व्यक्ति हजारों गलतियां निकाल करके बैठ जाएगा, अपनी निकालने में तकलीफ होती है। इसलिए गुरुदेव ने शब्द दिया निष्पक्ष आत्म समीक्षा। आत्मबोध तत्वबोध साधना जो गुरुदेव ने दी, इससे बढ़कर के दूसरी कोई साधना अपने को पहचानने की है ही नहीं, इससे बढ़कर के दूसरी कोई संसार की साधना नहीं। लोग अद्वैत की तरफ जाते हैं, लोग भक्ति की तरफ जाते हैं, लोग ज्ञान की तरफ जाते हैं, पूरी की पूरी गीता को तलाश मारते हैं। मैं कहूँगा कि सारा का सारा सार गुरुदेव ने दो शब्दों के अंदर दे दिया है, निष्पक्ष आत्म समीक्षा। चिंतन करें, मनन करें, जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ था, करना क्या था, क्या नहीं कर रहे हैं, बस इसके अलावा क्यों चीज़ को सोचने की आवश्यकता है, अपने को जाने। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।